आज यह एक बैठक किसान अधिकार समन्वयक मंच की संजय कुमार जी के लिए बुलाई गई थी। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे उपलब्ध थे और आए हुए थे। उन लोगों के बीच में हमारे जो अपने संगठन के और प्रतिनिधि, कुछ और संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उनसे इस बात पे विमर्श हुआ कि क्या लोगों को अपना उम्मीदवार अमेठी की लोकसभा में उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए। इस पर लोगों ने सहमति दी कि नहीं, उनको अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, क्योंकि उनकी जो लोकल समस्याएं हैं, हमारा देश है, हमारा वोट, हमारा मुद्दा कि हम उस समस्याओं को लेकर के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं और वो इतना समय नहीं दे पाते, उनसे लोग नहीं मिल पाते, नहीं उन समस्याओं का समाधान होता है। बहुत सालों से बहुत बड़े बड़े प्रतिनिधि होने के बावजूद भी बहुत छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। जी, तो इसलिए क्यों ना एक ऐसे आदमी को प्रत्याशी बनाया जाए जो कम से कम जिसको लोकल मुद्दों की समझ हो, जिसको लगे कि क्या क्या स्थानीय समस्याएं हैं, जिनको लेकर के वो उन समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़े। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि स्थानीय उम्मीदवार यहाँ पे आप लड़ाएंगे। उम्मीदवार के तौर पर संजय कुमार का चयन यहाँ उपस्थित अमेठी के लोगों ने किया जी, और उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारी जो स्थानीय समस्याएं हैं, संजय कुमार जी के माध्यम से अभी तक हम लोग उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं, वो हमारी लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि अगर हम लोगों ने वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की वो प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ से चुनाव लड़े, हम उनका समर्थन करेंगे जो उनसे बन पड़ेगा तन मन धन से जी। तो इसी ये बैठक इसी साथ समराइज हुई कि संजय कुमार जी अमेठी से लोकसभा के लोक उम्मीदवार होंगे जो यहाँ की स्थानीय समस्याओं को सवालों के जरिए अगर चुने गए तो संसद में उठाएंगे और नहीं भी चुने गए तो जो यहाँ का प्रतिनिधि चुना जाएगा उसकी जवाबदेही उन लोकल सवालों के, स्थानीय सवालों के, स्थानीय मुद्दों के समाधान की दिशा में उसके लिए उससे सवाल करेंगे। ये आज का या हमारा बैठक का मूल उद्देश्य और एजेंडा रहा जी। धन्यवाद।